हेलो गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। आप सभी का बहुत ही ज्यादा स्वागत है गाइस अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के बहुत ही बढ़िया फीचर्स के बारे में, जिनके बारे में आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। और ये जो फीचर्स हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल बनेंगे ये जो फीचर्स है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मेरे पास एक फोटो है, और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मेरी फोटो में ये वाला पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट मेरे को बहुत ही तंग कर रहा है, मेरे को इसे कैसे रिमूव करना है। ये आप देख सकते हैं अननेसेसरी चीज़ों को आप अपनी फ़ोटोज़ में से कैसे रिमूव कर सकते हो, वो भी अपने आईफोन में। किसी भी पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप अपने आईफोन की मदद से अपने किसी भी फ़ोटो में से कोई भी अननेसेसरी पार्ट को आप रिमूव कर सकते हो। तो कौन सी वो एप्लीकेशन है, कौन सा वो फीचर है जिसके साथ आप अपनी किसी भी फ़ोटो में से किसी भी चीज़ को आप रिमूव कर सकते हो, चाहे वो ये पिंजरा हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप सभी अपने आईफोन में से किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हो फ़ोटो में से स्पेशली। तो ये है एक एप्लीकेशन। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है, ये है फ़ोटो रीटच नाम की एप्लीकेशन है, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर मैं अपने डाटा कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया। तो आपको यहाँ पर सिंपली कुछ अपनी फ़ोटोज़ को यहाँ पर चूज़ करना है, जैसे कि मैंने ये वाली फ़ोटो को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे को ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि ये मेरी फ़ोटो को ख़राब करता है। तो कैसे रिमूव करना है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ऑब्जेक्ट रिमूवल की एक ऑप्शन है इस एप्लीकेशन में। इसके ऊपर हमने टैप करना है सबसे पहले, तो सिंपली जूम करेंगे थोड़ा सा ताकि हमें देखने में कोई मुश्किल ना हो। अगर आपको यहाँ पर अनडू करना है तो सिंपली यहाँ पर बैक वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हो साइज़ की ऑप्शन है, आप अपने ब्रश को कैसे बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कितना बड़ा आपको ब्रश चाहिए, तो मेरे को सिंपली इतना बहुत है 74 72। तो मैंने सिंपली यहाँ पर पेंट करना है सिंपली, तो जैसे पेंट कर दोगे रेड हो जाएगा, तो गो के ऊपर आपने टैप कर देना है। तो जैसे ही आप सभी यहाँ पर देख सकते हो अपना जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है अपनी फ़ोटो में से। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, आपने यहाँ पर अगर देखना हो तो वो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो आप यहाँ से जो मिरर वाला ऑप्शन है यहाँ पर टैप करके देख सकते हो कि वो अपना ऑब्जेक्ट था और ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो यहाँ इस वजह से यहाँ पर टैप किया, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो अपना जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हो चुका है। अगर आपको इस पोर्शन को भी रिमूव करना है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, आपने फिर से यहाँ पर पेंट करना है तो गो के ऊपर आपने टैप करना है। तो बहुत ही बढ़िया आपकी जो फ़ोटो होगी एडिट होगी और बिल्कुल भी आपकी फ़ोटो ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। अगर आपको ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर डॉग बैठा हुआ है तो इसको भी रिमूव करना है, तो सिंपली अपने ब्रश को अपने बड़ा करना है और आपको धीरे धीरे यहाँ पर पेंट करते जाना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, जैसे मैं आप इस वीडियो में आप सभी देख सकते हो मैंने यहाँ पर पेंट कर दिया और गो के ऊपर आप सभी ने टैप कर देना है। तो जैसे ही टैप करोगे आपके सामने आपका जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये भी रिमूव कर दिया हमने और ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बन जाएगी आपकी फ़ोटो और बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पर टिक लगा देनी अगर आपकी फ़ोटो एडिट हो जाती है। अगर आपने इसमें से सेव करनी है तो शेयर के ऊपर आपने टैप करना है। गाइज, यहाँ पर आपने सिंपली इसे मीडियम के ऊपर सेट करना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मैक्सिमम आप 100% तक लेके जा सकते हो। तो मैंने सिंपली इसकी क्वालिटी जो है वो 95 के ऊपर रखी हुई है और मैंने सिंपली यहाँ पर इसे सेव कर देना। सेव के ऊपर टैप करेंगे तो अपना जो फ़ोटो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी अपनी फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में। इस फोटो को ओपन करके देखना है आपने। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो अपनी फ़ोटो बिल्कुल बढ़िया एडिट हो चुकी है। जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव किए थे वो यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया हो चुकी है अपनी फ़ोटो, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। सो गाइस, ऐसे आप अपनी आईफोन को यूज़ करके किसी भी फ़ोटो में से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो जो आपको अननेसेसरी लगता है आपकी फ़ोटो में, जो आपकी फ़ोटो को ख़राब करता है आप उसे रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।